उद्धव सरकार की तानाशाही के विरुद्ध जताया रोष। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सोमवार को राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए नियत्ते और निर्दोष देश के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को किसी पुराने और झूठे मामले का बहाना बनाकर गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि जिस मामले में पूर्व में क्लीन चिट मिल गई थी, उस केस में अब कायराना और अनैतिक तरीके से अर्णब को गिरफ्तार किया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है। अतः समस्त राष्ट्रवादियों और संगठनों की मांग है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए और केंद्र सरकार इस विषय पर अतिशीघ्र संज्ञान लेवे, क्योंकि ऐसी अवस्था में देश का माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे तानाशाही कृत्य से आमजन के मन में लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा और कोई भी भविष्य में निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। ज्ञापन देने व विरोध प्रदर्शन करने वालों में नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हिम्मत सिंह, माणक साहू, हनुमान बाना सहित अनेक व्हिप और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र की सरकार ने देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो कि अर्णब गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं, उनको अनैतिक तरीके से एक पुराने और झूठे मुकदमे में फंसा कर गिरफ्तार किया है। हमारा संगठन उनकी निंदा करता है और मांग करता है कि सरकार कांग्रेस की कठपुतली न बनते हुए अर्णब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए।